तो लोग दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल आरके माय सॉल्यूशन में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 14.1 का वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए कुछ, क्योंकि उसके फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक होगा, ठीक है। और ये 14.2 का बेसिक है, ठीक। तो इसमें पहला जो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो सिंपल जो किसी भी कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में ये चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ये चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें आपका ए डी और बी सी, ए बी डी सी ये सब भुजा है उसका, ठीक। और इसमें एक भी कर्ण है डी बी, ठीक है, और उस पर एक दो शीर्षलंब है, एक सी एफ और एक ए, ठीक। और ये शीर्षलंब है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि इस माना कि ए बी सी डी एक उत्तल यानी चतुर्भुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण दो समकोण से छोटा है, ठीक है। जो इसका प्रत्येक कोण है वो दो समकोण से छोटा है अर्थात 180 डिग्री से छोटा है, जिसका एक भी कर्ण बी डी है तथा ए तथा सी से बी डी, बी डी पर क्रमशः ए या सी एफ लंब है। चतुर्भुज ए बी सी डी आपको पता है चतुर्भुज जो होता है वो दो त्रिभुज से मिलकर बना होता है, जैसा कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा ये और एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज है और इसमें आपका एक लंब दिया हुआ है, इधर भी एक लंब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो इसमें दो त्रिभुज है तो पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आधार कोण होगा जिस पर लंब होता है, तो लंब इस पर बी डी पर है, तो बी डी आधार हुआ तो 1/2 इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार यहाँ पे बी डी हो गया और लंब हो गया ये ए, ठीक है, और प्लस 1/2 आधार बी डी और सी एफ हो गया लंब, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर बी डी और बी डी और 1/2 कॉमन है तो कॉमन ले लिए तो बचा अंदर ए और सी एफ, ए और सी एफ। तो यहाँ पर आपका 1/2 यहाँ पे बी डी जो होगा वो बी डी बराबर उसको लिखेंगे डी, ठीक है, उसको डी से हम सूचित करेंगे और जबकि ए ई और सी एफ है उसको एच वन एच टू से प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी डी की जगह पर डी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 डी इंटू एच वन प्लस एच टू, ठीक है, यही आपका फार्मूला होगा। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सभी में काम करेगा, चाहे वो वर्ग हो आया तो चाहे जो भी हो। तो जो वो पीछे वाला फार्मूला था उससे हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। और ये हमारा पहला विशेष चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जैसे सम चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो कि कोई भी चतुर्भुज वो दो त्रिभुज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, यानी कि ए बी डी हुआ और डी बी सी हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है वो ए सी है, ठीक है, इसका विकर्ण ए सी है, बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटता है, तो बी डी जो है वो ओ पर बीच में काट रहा है, ठीक। और चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है, जो सम चतुर्भुज होता है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए डी ओ सी जो हुआ हमारा डी ओ सी जो हुआ वो 90 डिग्री होगा था, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, वहाँ पे दो त्रिभुज है ना, वो जो हमारा ये त्रिभुज तो है वो ए सी डी इसमें चलेंगे, तो ए सी डी का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ से एक लंब भी है डी ओ, ठीक है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार जो होगा जिस पे लंब होगा वो आधार होगा, तो ए सी हमारा आधार हो गया, ओ डी जो हमारा हुआ लंब हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक त्रिभुज का हुआ। उसी तरह ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, तो ए बी सी क्षेत्रफल यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुज है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये ए है, इस पर लंब है बी ओ, तो आधार हो गया ए सी, 1/2 आधार और ओ भी हमारा लंब है, तो ये दो अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमको ये और ये और ये और ये कॉमन है, ठीक है, तो 1/2 और ए सी कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 ए सी कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा अंदर में ओ डी, ओ डी प्लस ओ बी जो कि लंब था, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर ओ डी प्लस ओ बी मिलकर हमारा डी बी बन जाएगा, ठीक। ओ डी प्लस ओ बी, तो 1/2 ए सी प्लस ओ डी प्लस ओ बी हमारा बी डी बन गया, तो ये ए सी भी एक विकर्ण है और बी डी भी एक विकर्ण है, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ए सी जो हमारा डी वन है, एक विकर्ण है, दो विकर्ण, इसलिए डी वन और बी डी को डी टू से सूचित करेंगे, ठीक है। तो सम चतुर्भुज जो फाइनली फार्मूला होगा वो होगा 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल अर्थात डी वन इंटू डी टू सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सूत्र वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भी सत्य है क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह हमारा अगला है समलब क्षेत्रफल। समलब क्षेत्रफल ये देख रहे हैं समांतर भुजा है ये, तम समानांतर है, ठीक,
और इस तरह से होता है समलंब चतुर्भुज। तो इस ये हमारा ऊंचाई हुआ, तो माना ए बी सी एक समलंब जिसमें ए बी डी सी जो है सब पैरेलल है, ठीक है, ए बी डी सी और ए बी जो है पैरेलल है, ए डी बी सी समानांतर भुजाएं, ए डी बी सी समानांतर भुजाएं, ए डी और बी सी ये जो असमानांतर भुजाएं हैं, ठीक है, ये दोनों असमानांतर भुजाएं हैं। समलंब की ऊंचाई या शीर्षलंब, ये हमारा शीर्षलंब या फिर समलंब की ऊंचाई हुआ। डी ई या डी ई या सी एफ विकर्ण, विकर्ण ऐसी समलंबिक क्षेत्र ए बी सी डी को दो त्रिभुजाकार क्षेत्र ए बी सी तथा ए डी सी में बांटता है, ठीक, यानी कि जो ए बी सी डी जो हमारा चतुर्भुज है उसको दो त्रिभुजाकार ए बी सी यानी कि ए बी और सी, यहाँ पर एक त्रिभुज हुआ ये ए बी सी, तथा ए डी सी में बांटता है, ए डी सी में बांटता है, दो त्रिभुज में बांटता है, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बांटता है। तो जो हमारा माना कि ए बी हमारा बी वन हो गया, ये जो हमारा होगा ये बी वन होगा और ऊपर में जो होगा वो बी टू होगा, क्योंकि दोनों पहले सेंटीमीटर में होगा, तथा डी ई बराबर सी एफ होगा, ये दोनों ऊंचाई तो सेम ही होगा, ये चाहे वो ठीक है जिसको हम एच बोल देंगे, ठीक, ऊंचाई तो एच हो सेंटीमीटर में। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार अर्थात बी वन, इसको ए बी को बी वन और 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो एच ही होगा सेंटीमीटर में। उसी तरह जो अगला त्रिभुज होगा ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 इस क्षेत्रफल का, तो 1/2 आधार जो होगा वो होगा डी सी यानी बी टू, ठीक है, और एच होगा हमारा वही होगा एच जो है, ठीक, तो एच तो सेम ही होगा। इस तरह समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ेंगे तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 बी वन एच सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1/2 बी टू एच सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों को जोड़े 1/2 कॉमन है और एच भी दोनों में कॉमन है, तो 1/2 एच बी वन प्लस बी टू अर्थात 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना तभी मैथ बनाने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो भी मैथ है ये बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। और ये कुछ बेसिक निम्नलिखित तथ्यों में से किसी जिसकी आवश्यकता हो उसका प्रयोग। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, याद रखना किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो जो यहाँ से जो लंब आएगा वो इसको दो भागों में बांटेगा, इसको इस भुजा को, ठीक है। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो होगा वो शीर्ष लंब होगा, ठीक, तो समानांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुना ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब होगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, अभी देखे थे, और सम चतुर्भुज की अगर भुजा निकालना होगा तो जो विकर्ण है उसको दो को विकर्ण होगा, यानी डी वन डी टू, तो उसको आधा करके वर्ग कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम डिटेल्स में आगे। तो इसका जो फाइनली होगा 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी कॉमन होगा, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 ही है, ठीक है, डी वन में वन से गुना होगा तो डी वन ही होगा, तो इसलिए 1/2 तो इसमें भी 1/2 इसमें भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा, तो वो 4 का रूट तो 2 ही होगा और 1 का तो 1 ही होता है, तो अंदर में डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर लग गया, ये फॉर्मूला होता है। समचतुर्भुज भुजा निकालना हो अभी कर दिया हुआ रहेगा था, जहाँ डी वन और डी टू समचतुर्भुज के विकर्ण है। समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा अर्थात परिमाप, मतलब जो भी बाहरी माप हो, पहले वाला पार्ट देख लिया इसमें, बाहरी माप यानी कि 4 भुजाओं का योग, तो यानी 4 गुना भुजा। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, अभी देखे तो समलंब का क्षेत्रफल समानांतर भुजाओं का योग 1/2 जो पैरेलल भुजा था ऊपर नीचे उसका योग और प्लस में ऊंचाई, ठीक है, इस तरह से था ना ऊंचाई। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है किसी भी चतुर्भुज का निकालना, तो 1/2 इंटू विकर्ण जो होगा डी और इंटू एच वन प्लस एच टू, ये किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल शुरू में देखते हैं, जहाँ डी जो होगा विकर्ण होगा, एच वन तथा एच टू सम्मुख शीर्षों से इसके विकर्ण पर लंब होगा, ठीक है। तो ये 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसमें एक ही क्वेश्चन रहने देगा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिक्त स्थान को भरना है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, यानी कि जो सम चतुर्भुज होते हैं उनका जो विकर्ण होता है वो परस्पर 90 डिग्री पर अर्थात समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका समकोण हो जाएगा, लिख लीजिएगा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, यानी कि अभी हम लोग पढ़े थे जो सम चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का, यानी डी वन इंटू डी टू, ठीक है, क्षेत्रफल होता है, ये हमारा क्षेत्रफल है सम चतुर्भुज का। लेकिन अगर विकर्णों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो ये 2 जो है वो इधर चल जाएगा, ठीक है, तो ये भागा में 2 है, इधर रहेगा गुना में, यानी 2 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक,
तो आपका यहाँ पे एस एम चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यानी कि एक ऐसा होता है जिसमें आपका ये ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, अर्थात इसको शीर्षलंब भी बोलेंगे, और जिस पर शीर्षलंब होगा उसको आधार बोलेंगे, यानी आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये होगा ऊंचाई। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसी तरह आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, आधार गुना शीर्षलंब अर्थात जो ऊंचाई होता है उसी को बोलते हैं शीर्षलंब, क्योंकि वो शीर्ष से एक लंब होता है। ठीक है, या फिर एक वो ऊंचाई होता है, तो शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा।